हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो वो रहने वाली है एलईडी हेडलाइट के बल्ब के ऊपर, और ये नॉर्मल बल्ब नहीं है गाइस, ये जो है ऑक्सबीम के है। तो गाइस, प्राइस की बात करूँ तो जब मेरे को कंपनी ने भेजा था तब इसका प्राइस जो है 8,000 के आसपास था, लेकिन अभी भी इसका प्राइस जो है 6,000 के आसपास रहेगा। और स्पेसिफिक यही मॉडल जो है T1H4 है, ये वो आपको नहीं मिलेगा अभी, लेकिन इसके मिलते जुलता जो आपको मॉडल है इसका वो मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो अनबॉक्सिंग कर दें, देन उसके बाद इसको फिट करेंगे अपनी बाइक में, उसके बाद मैं आपको जो है बाइक का कनेक्शन बताऊंगा कि कैसे BS6 में जो है प्रॉपर आपको जो है इसके कनेक्शन करने हैं। तो गाइस, BS6 के जो कनेक्शन है वो BS4 और BS3 के हिसाब से थोड़े अलग होंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। तो चलिए पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस, ये है T1H4। H4 का मतलब ये H4 सॉकेट होगी इसकी, और आपकी अगर कोई और सॉकेट है तो उस हिसाब से आप इसको परचेज कर सकते हो। तो गाइस, इसमें कुछ इस टाइप से आपको एक स्टिकर मिलता है। इसकी अनबॉक्सिंग पहले भी चैनल पे है, लेकिन वो वीडियो काफ़ी पुरानी हो चुकी है तो आपको मिलेगी नहीं चैनल पे वो। इसके बाद गाइस, यहाँ पर जो है आपको एक बुकलेट मिलती है, इसका पेपर वर्क जो भी होगा, और इसकी वारंटी वगैरह होगी जो 1 साल की आती है इसके साथ, वो भी इसी में रहेगा, ये इसका वारंटी कार्ड होगा। तो इस टाइप से आपको इसका पेपर वर्क मिलेगा इसमें। देन उसके बाद गाइस, ये जो बल्ब है ये इसमें इंक्लूड नहीं है, ये मैंने एक्चुअली वैसे डाल के रखे थे। ये जो है T10 बल्ब है, जो कि अपने छोटा जो पार्किंग वाला बल्ब होता है हेडलाइट के साथ, वो वाले है वो गाइस स्पेशल है, और इसका प्राइस भी जो है 1,000 के आसपास है दोनों का। तो कॉस्टली चीज़ है क्योंकि ऑक्सबीम की है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो आपको इस टाइप से जो है ये दो बल्ब मिलेंगे इसमें ऑक्सबीम के। तो गाइस, एक यहाँ पर फैन लगा रहेगा, और ये इसकी सॉकेट है, और इस टाइप से यहाँ पर जो है 2 LED हैं, और यहाँ पर भी जो है 2 LED हैं। इस टाइप से ये बल्ब है, और यहाँ पर मैं आपको बात करूँ तो एक और बॉक्स यहाँ पर रह गया है, और इसमें आपको जो है इसका कैन बस डिकोडर मिलेगा। तो भाई, ये कुछ इस टाइप से आता है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर भी जो है आपको ऑक्सबीम की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, और ये जो है गाइस ये कैन बस डिकोडर है, मतलब जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें जो जितनी भी लाइटिंग वगैरह का जो फंक्शन है वो इसी से चलता है। तो उसमें जो है एक कैन सिग्नल होता है, तो कैन बस को ये जो है डिकोड करता है, जो गाड़ियों में वो कैन बस वाला फंक्शन होता है उसमें ये लगाना पड़ता है। बाइक में हम इसको नहीं लगाएंगे, और इसका कोई मतलब नहीं लगाने का, अगर लगा भी देते हैं तब भी काम करेगा, नहीं भी लगाएंगे तब भी काम करेगा। तो इनको मैं जो है बाइक में नहीं लगाऊंगा, तो इसको मैं अभी साइड में रहने देता हूँ। सबसे पहले इसको जो है बाइक में लगाते हैं, देन उसके बाद इसका जो T10 बल्ब है इसको भी मैं चेंज कर दूंगा, बाइक में लगा दूंगा, और साथ ही में मैं आपको जो है कनेक्शन बताऊंगा बाइक में। तो चलिए सीधे भी जो है बाइक की ओर चलते हैं। तो ये हमारी बाइक, अभी इसका जो है वाइजर खुलेगा, देन उसके बाद इसकी हेडलाइट खुलेगी, उसमें हम बल्ब को डालेंगे और इसको फिट कर देंगे। देन उसके बाद मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा कहाँ पर इसका करना है आपको, और कैसे आपको जो है कनेक्शन इंजन से हटा के आपको बैटरी पर करना है। तो चलिए अभी इसका वाइजर को खोलते हैं, हेडलाइट को खोलते हैं, देन उसके बाद जो है इस लाइट को फिट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिक है, तो जैसे स्टार्ट करूंगा इसकी हेडलाइट चलेगी, और इसको पहले बंद करना पड़ेगा, इसकी सप्लाई पीछे से जो है कट करनी पड़ेगी जो कि इंजन साइड से आ रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये जो ढक्कन है इसको खोल के, ये यहाँ पर रेगुलेटर रेक्टिफायर रहेगा, और इसमें से जो येलो वायर रहेगी उसको आपको निकाल देना है उसकी पिन को। तो गाइस, सिंपली मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ, और इसमें जो येलो वायर होगी इसको कुछ इस टाइप से आपको इसका लॉक को प्रेस करके इसको निकाल देना है, इससे अपनी जो लाइट है वो टोटली बंद हो जाएगी। और इसको मैं वापस से लगा देता हूँ, और इसको आपको टेप कर देना है अच्छे से। देन उसके बाद गाइस, आपको एक सिंपली ऐसा बटन जो है यहाँ पर लगाना है, जो कि हम हेडलाइट को बंद करने के लिए लगाते हैं, और इसकी यहाँ पर 2 वायर होगी। तो ये है इसकी 2 वायर, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, तो गाइस जो बटन की 2 वायर है उसमें से जो 1 वायर है उसको आपको यहाँ पर जो है ब्लैक कलर की वायर के साथ लगा देना है, क्योंकि ब्लैक कलर की वायर में करंट आता है जब चाबी हम जो है ऑन करते हैं। और जो दूसरी वायर होगी स्विच की, वो आपको लगा देनी है यहाँ पर येलो कलर की वायर के साथ, जो कि आपके लेफ्ट जो स्विच है उसमें जा रही होगी। तो येलो कलर की यहाँ पर जो वायर है इसमें जस्ट आपको ऐसे लगा देनी है, इससे आपका जो टोटल कनेक्शन है वो बैटरी पर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, अभी इसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने चाबी को ऑन किया तो यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, और जैसे मैं अभी जो है इस बटन को यहाँ पर ऑन करूँगा तो यहाँ पर हमारी जो लाइट है वो आप देख सकते हो अभी डायरेक्ट जो है बैटरी पे चल रही है, अभी इंजन स्टार्ट भी नहीं है तब भी हमारी लाइट जो है चल रही है। तो इस टाइप से आपको इसके पहले कनेक्शन कर लेनी है, देन उसके बाद यहाँ पर मैं जो है अभी इस बल्ब को लगाऊंगा जो हमारा ऑक्सबीम का LED बल्ब है।
तो चलिए गाइस, अब मैं बल्ब को चेंज कर लेता हूँ। और बल्ब को चेंज करना काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सारी वीडियो मैंने बता रखा है तो बताने की जरूरत नहीं है। तो इसको जल्दी से मैं चेंज कर लेता हूँ, देन उसके बाद सीधा मैं भी इसको फिट करके और आपको फाइनल इसका जो रिस्पॉन्स है वो चेकआउट करवाता हूँ। तो इसी के साथ ही मैं इसका जो T10 बल्ब है उसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, जो छोटा वाला बल्ब है। तो गाइस दोनों जो आइटम है वो स्पेशल है और इसकी लाइट आप देखोगे कि बाकी जो जितने भी हमने LED यूज़ किए हैं उससे अलग होगी। तो आप देखते हैं ये छोटा वाला LED है और फिर भी इसकी जो लाइट है कितनी ब्राइट है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और अभी बाइक को फिट करके आपको जो है फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो गाइस दिन में ये लाइट जो है कुछ इस टाइप की लगेगी और अभी रात का जो है मैं आपको शॉट दिखाता हूँ। तो चलिए गाइस अभी इसका रिस्पांस चेक करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप LED में इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो मीटर के बल्ब भी आप चेंज कर देना और बैकलाइट का बल्ब भी जो है LED में डाल देना ताकि पावर जो है कम कंज्यूम हो। तो चलिए अभी इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो इसकी पावर कितनी है और आप देख सकते हो। तो अभी इसको जो है चला के देखते हैं। क्योंकि इसकी लाइट को मैंने जो है डाउन साइड में रखा है क्योंकि किसी की आंखों में ना पड़े। तो अगर आपको LED में इसको डाल रहे हो तो थोड़ा इसको डाउन ही रखिएगा, और बाकी ज़्यादा दूर तक अगर लाइट जाती है तो लोगों की आंखों में पड़ती है, इस वजह से मैंने डाउन रखा है। और लाइट आप देख सकते हो काफ़ी ब्राइट है, फिर भी यहाँ पर इसका लो बीम और ये हाई बीम आप देख सकते हो कितना ब्राइट है ये। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला आपको कि ये प्रॉपर आपको जो यही मॉडल नहीं मिलेगा, इसके साथ मिलता जुलता जो भी मॉडल मेरे को मिलेगा अमेजोन का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।